एंटी एयरक्राफ्ट रोल की मैगजीन को भरने का तरीका, दुरुस्त बताया आपने। इसी कार्रवाई का मैं बयान के साथ नमूना दूंगा, क्लास देखे तथा समझे। मेरे लिए आदेश, एलएमजी के पीछे लाइन बन। मेरे लिए आदेश, निलिंग पोजीशन सीखे हुए तरीके से निलिंग पोजीशन को अपना लें। चलिए क्लास सावधान बैठ, क्लास आराम से पीछे वाले खड़े हो जाएं। एंटी एयरक्राफ्ट रोल की मैगजीन को भरने का तरीका भी ठीक उसी प्रकार से होता है जिस प्रकार से हम नॉर्मल बाल लेमिनेशन की मैगजीन को भरते हैं। इसमें कुछ एक अंतर होता है जो कि आगे मैगजीन को भरने के दौरान मैं आपको बताऊंगा। लेमिनेशन को मैगजीन में भरने से पहले लेमिनेशन की सफाई की जाना निहायत ही जरूरी होती है। ध्यान रहे, जब एक एलएमजी एंटी एयरक्राफ्ट रोल के दौरान मैगजीन को भरा जाता है तो उस दौरान उस मैगजीन में 16 बाल राउंड और 12 ट्रेसर राउंडों को भरा जाता है। ठीक है, इस प्रकार से कुल 28 राउंड मैगजीन में भरे जाते हैं। मैगजीन में राउंड को भरने से पहले एमिनेशन की सफाई कर लेना चाहिए। एमिनेशन को साफ करने के लिए सबसे पहले चार्जर से राउंडों को निकालें। बाएं हाथ में साफ कपड़े को इस प्रकार से लें, यदि समय इजाजत दे तो एक एक राउंड को साफ करें। साफ किए हुए राउंड को साफ और सूखी जगह पर रख दें। यदि समय इजाजत ना दे तो राउंड को कपड़ों पर इस प्रकार से ओवरलैप करते हुए साफ करें। साफ किए हुए राउंड को भी साफ और सूखी जगह पर रख दें। ये था साहिबान एमिनेशन को साफ करने का तरीका। एमिनेशन की सफाई में किसी साहिबान को शक शक नहीं तो तरतीब में आगे आता है मैगजीन को भरना। साहिबान, मैगजीन को भरने से पहले मैगजीन का यकीन कर लिया जाए कि ये एंटी एयरक्राफ्ट रोल वाली ही मैगजीन है। उसकी पहचान, जो नॉर्मल मैगजीन होती है वो उसके बॉडी पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। जैसे नॉर्मल मैगजीन अगर है तो इसमें दाहिने और बाएं ये जो चीक होते हैं मैगजीन के, इसमें कुछ भी नहीं लिखा होता। लेकिन जो एंटी एयरक्राफ्ट रोल की मैगजीन होती है उस पर यहाँ पर चीक पर AA लिखा हुआ होता है। ठीक है, AA का मतलब होता है एंटी एयरक्राफ्ट। तो इससे पहचान हो जाती है कि ये एंटी एयरक्राफ्ट रोल में इस्तेमाल की जाने वाली मैगजीन है, तो उसको उस प्रकार से भरा जाएगा। साहिबान, मैगजीन को भरने से पहले यकीन कर लिया जाए कि ये एंटी एयरक्राफ्ट रोल की मैगजीन है और साथ में मैगजीन का निरीक्षण भी कर लिया जाए। यकीन कर लिया जाए कि मैगजीन के लिफ्ट फैले हुए ना हो, प्लेटफॉर्म और प्लेटफॉर्म के नीचे लगी हुई स्प्रिंग सही तरीके से काम कर रही हो, मैगजीन कहीं से दबी पिचकी ना हो, मैगजीन का बॉटम प्लेट सही तरीके से लगा हुआ हो, मैगजीन का स्टड टूटा हुआ ना हो। यदि इस प्रकार का कोई भी नुक्स मैगजीन में पाया जाता है तो मैगजीन की क्या कर ली जाए, बदली कर ली जाए। बदली किए हुए मैगजीन का भी इसी प्रकार से निरीक्षण कर लिया जाए। मैगजीन के निरीक्षण में किसी और मैगजीन के निरीक्षण तथा मैगजीन की पहचान में किसी साहबान को शक शक नहीं तो अब मैं आपको बताऊंगा मैगजीन को भरने का तरीका। साहबान, मैगजीन को भरने के लिए इस प्रकार से पकड़े कि चारों उंगलियां बड़े मेहराब पर और अंगूठा मैगजीन लिफ्ट पर सवार। मैगजीन को भरने के लिए सख्त जमीन, बूट की टो या रांग का इस्तेमाल किया जाता है। अभी मैं आपको बताऊंगा सख्त जमीन पर रखकर मैगजीन को भरने का तरीका। ध्यान रहे, यहाँ पर अब कौन सी मैगजीन भरी जा रही है, एंटी एयरक्राफ्ट रोल वाली। तो जब इसमें राउंड को भरा जाएगा तो अब इसमें जो अनुपात बताया है, बाल राउंड कितने हैं, 16 और ट्रेसर राउंड 12। तो सबसे पहले शुरुआत में 5 बाल राउंडों को भर दिया जाता है। ठीक है, मैगजीन को भरने के लिए दाहिने हाथ से मुनासिब राउंडों को उठाएं। अब शुरू में 5 बाल राउंड उठाने, राउंड को मैगजीन लिस्ट पर रखते हुए दोनों हाथ के अंगूठों की मदद से नीचे और पीछे इतना धकेलें कि राउंड की रिम बड़े मेहराब से टकरा जाए। इसी प्रकार एक एक करके राउंड को मैगजीन में भरते जाए, भरते भरते राउंड की गिनती भी कर ली जाए। मैगजीन में राउंड भरते समय यदि कोई राउंड गिर जाता है तो उसे साफ करके मैगजीन में भरा जाए। अब कितने, 5 राउंड भर लिए। 5 राउंड भरने के बाद में अब किस प्रकार से भरा जाएगा वो समझना। शुरू में 5 राउंड भर देना, ये 5 राउंड जो शुरू में भरे गए हैं कहाँ पहुँचेंगे, सबसे लास्ट में। ठीक है, अब जब भरना होता है 5 राउंड भरने के बाद में, 5वें के बाद जब 6ठा राउंड भरा जाएगा तो 6ठा राउंड भरा जाएगा आपका ट्रेसर राउंड। ट्रेसर राउंड की पहचान क्या होगी, बाल राउंड पूरा इस प्रकार से होगा, ट्रेसर राउंड जो होगा उसके बुलेट में ऊपर रेड कलर का पेंट किया हुआ होगा, लाल कलर का। ठीक है, तो 5 राउंड भर देने के बाद में 6ठा ट्रेसर राउंड उठाना है और ट्रेसर राउंड को भर देना है। अब 7वां जो भरा जाएगा, 7वां फिर बाल राउंड भरा जाएगा, 8वां राउंड जो होगा वो फिर से ट्रेसर राउंड होगा, 9वां राउंड जो होगा वो फिर ट्रेसर के बाद में फिर एक बाल राउंड होगा, और फिर अगला जो होगा वो कौन सा होगा, ट्रेसर राउंड। ठीक है, इस प्रकार से मैगजीन में राउंड को भरते जाएं।
अब जो अनुपात था, शुरू में 5 राउंड भरे थे, उसके बाद छठा ट्रेसर, फिर बाल ट्रेसर, बाल ट्रेसर, बाल ट्रेसर, बाल करते करते 28 राउंड भर देना है, राउंड गिनती करते आना, ठीक है। इस प्रकार से इस मैगजीन में 16 बाल राउंड और 12 ट्रेसर राउंड भरे जाते हैं। मैं एंटी एयरक्राफ्ट रोल की मैगजीन को भरने में किसी ताइवान को कोई शक नहीं, तो तरतीब में आगे आता है मैगजीन को खाली करने का तरीका। मैगजीन को खाली करने के लिए साहिबान मैगजीन को अब इस प्रकार से पकड़े कि चारों उंगलियां छोटे मेहराब पर, अंगूठा बड़े मेहराब को ग्रिप किया हुआ, बुलेट वाला हिस्सा जमीन की ओर और परकुशन कैप वाला हिस्सा ऊपर आसमान की ओर। मैगजीन को खाली करने के लिए किसी भी नुकीली चीज या पॉइंटर की मदद से ऊपर वाले राउंड के बरखिलाफ वाले राउंड को नीचे की ओर दबा कर रखें, ऊपर वाला राउंड निकल कर खुद ही गिर जाएगा। इसी प्रकार एक एक करके मैगजीन को खाली करते जाए। ध्यान रहे जहां पर भी एमिनेशन गिर रहा हो वो जगह साफ और सूखी हो। यदि मैगजीन को खाली करने के लिए एमिनेशन का इस्तेमाल किया जा रहा है तो एक या दो राउंडों के बाद में एमिनेशन की क्या कर लेना है, बदली कर ली जाए। इसी प्रकार से एक एक करके मैगजीन को खाली करते जाए। मैगजीन के सबसे आखिरी राउंड को निकालने के लिए प्लेटफॉर्म को मध्य वाली स्थिति से नीचे की ओर दबा कर रखें, मैगजीन का आखिरी राउंड भी निकलता। साहिबान मैगजीन को खाली करने में किसी साहिबान को शक शक नहीं तो मेरे आदेश खड़ा हो, मेरे आदेश लाइन तोड़ सीखे हुए तरीके से लाइन तोड़ का काम करें। चलिए क्लास साधन बैठ, क्लास आराम से बैठ। अभी आप बयान और नमूने के साथ सीख चुके हैं एंटी एयरक्राफ्ट रोल में मैगजीन को भरने तथा खाली करने का तरीका। अभी होगा इसी का अभ्यास। अभ्यास के लिए नंबर 5 से 7, 5, 6 और 7 एलएमजी के पीछे लाइन बन। अब नंबर्स गिनती कर। 1, 2, 3 नंबर्स, निलिंग पोजिशन। हाँ शाबाश, अभी 5-5 दिल काटी रख लो सभी लोग। चलिए हाँ नंबर्स, सीखे हुए तरीके से एंटी एयरक्राफ्ट रोल की मैगजीन भर। सबसे पहले एमिनेशन की सफाई करें, बाएं हाथ में साफ कपड़े को लें, एक एक करके राउंडों को साफ करें। यदि समय कम हो तो कपड़े पर राउंड को ओवरलैप करते हुए साफ किया जाए। चलिए दाहिने से नंबर 1 बताएंगे, एंटी एयरक्राफ्ट रोल की मैगजीन जब भरी आती है तो कितने बाल राउंड और कितने ट्रेसर राउंड का इस्तेमाल किया जाता है? 16 बाल राउंड और 12 ट्रेसर राउंड का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। हाँ सीखे वो तरीके से भर दीजिए राउंडों को। शुरू में 5 राउंड जो आप भरेंगे वो कौन से होंगे? लाइव राउंड। इसको भरने का तरीका याद रखना, शुरू में 5 राउंड जो भरे जाएंगे वो बाल राउंड होंगे, उसके बाद 6ठा राउंड ट्रेसर, 7वां फिर बाल, इसी प्रकार से कंटिन्यू बाल ट्रेसर करते हुए 28 राउंड मैगजीन में भर देना। तो वो जब पूरा टोटल निकालते हैं तो 16 बाल राउंड और 12 ट्रेसर राउंड का बनता है। अब इसमें एक सवाल ये बनता है कि 5 राउंड जो भरे गए हैं लगातार बाल राउंड, वो क्यों भरे गए और उसके बाद तो एक ट्रेसर एक बाल चल रहा है। तो जब ये फायर होंगे, जो 5 राउंड भरा गया है वो क्या सबसे नीचे चला गया, उसके बाद एक ट्रेसर एक बाल चल रहा है। तो जब आप फायर करोगे तो ट्रेसर और बाल वाला राउंड शुरू होगा शुरुआत में। तो ट्रेसर बाल चलते हुए जब आखिरी के 5 राउंड बचेंगे तो वो ट्रेसर राउंड जब बाहर निकलता है तो उसने जो बारूद छोड़ी है बैरल के अंदर, उसको साफ करने का काम कौन कर देगा? आखिरी के जो 5 बाल राउंड होंगे वो उसको कुछ हद तक साफ करते हुए जाएंगे जो अंदर बारूद छोड़ दी गई है, ठीक है। भर दिया, हाँ सीखे हुए तरीके से मैगजीन खाली कर, बाएं हाथ की पकड़ चारों उंगलियों की, छोटे मेहराब पर, अंगूठा बड़े मेहराब पर ग्रिप किया हुआ, बुलेट वाला हिस्सा नीचे की ओर। एमिनेशन से यदि मैगजीन को खाली किया जा रहा हो तो एक या दो राउंड के बाद एमिनेशन की बदली कर ली जाए।
दबा के रखो उसको, छोड़ो मत। हाँ दबा के रख, पकड़, उंगली से क्यों निकाल रहा। हाँ दबा के रख, बस इधर दाहिने तरफ पर। हाँ रख दो, पांच पांच जमा के दस। हाँ नंबर्स, क्लास बदली। एक दो तीन। हाँ नंबर्स गिनती कर। नंबर्स नीलिंग पोजिशन, सीखे हुए तरीके से एंटी एयरक्राफ्ट रोल की मैगजीन भर। हाँ एमिनेशन की सफाई करें सबसे पहले। बाएं हाथ में साफ कपड़े को लें, एक एक राउंड को साफ करें। सब हाथ हो गई एमिनेशन की सफाई, अब मैगजीन को उठाएं। चलो दाहिने से नंबर दो, नंबर दो कितने राउंड शुरू में भरे जाएंगे और कौन से राउंड होंगे वो? ठीक है, शुरुआत में कितने? पांच बाल राउंड भरे जाएंगे और उसके बाद क्या भरना है? ट्रेसर बाल, ट्रेसर बाल, ट्रेसर बाल, इस प्रकार से गिनती करते हुए 28 राउंड भर देना है। 28वां ट्रेसर राउंड ही आएगा, मतलब सबसे पहला जो राउंड होगा वो ट्रेसर ही निकलेगा, ताकि शुरुआत से हमको पता चल जाए कि गोलियां किस एंगल पर जा रही है। क्या होगी? हाँ हाँ शाबाश, मैगजीन को पकड़ने का तरीका ऊपर अंगूठा लगाओ लिफ्ट से, शाबाश। अब इसी प्रकार से बदली 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 कराते हुए क्या करना है, सभी लोगों का अभ्यास करा लेना है। लेकिन अब क्या है, एंटी एयरक्राफ्ट रोल पर फायर करने का तरीका सिखाना है, इसलिए अब किसी से भी मैगजीन खाली नहीं कराना है। सारी की सारी मैगजीन भरी हुई रहेंगी यहाँ पर ड्रिल कार्टिज के साथ में। अब ये ड्रिल कार्टिज में ट्रेसर के भी ड्रिल हैं और बाल के भी ड्रिल हैं, ठीक है, क्योंकि अभ्यास के लिए सभी को भरी मैगजीन के साथ काम कराना है। ठीक है, तो फिर से मैगजीन भराने का काम नहीं कराया जाएगा वहाँ पे, ये सारी की सारी भरी मैगजीनें रख दी जाएंगी क्योंकि एंटी एयरक्राफ्ट रोल वाला काम है। ठीक है, हाँ नंबर, बिना मैगजीन खाली करे खड़ा हो, मैगजीन सही रखो, उधर टर्न करो उधर। अब ये क्या आखिरी फाइल है, ठीक है, हाँ नंबर आखिरी फाइल, लाइन तोड़। चलिए क्लास साधन बैठ, क्लास आराम से बैठ। अभी आप बयान नमूने और अभ्यास के साथ सीख चुके हैं एंटी एयरक्राफ्ट रोल में मैगजीन को भरने तथा खाली करने का तरीका।